ये बाइनरी तब तक चलेगी जब तक बीजेपी सत्ता में है। जब बीजेपी सत्ता के बाहर चली जाती तो बाइनरी चेंज हो जाती। 1 अक्टूबर 2011 अरुण जेटली, देश के बहुत बड़े नेता, लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने क्या कहा? दो तरीके के जज होते हैं, एक वो जो कानून को जानते हैं, दूसरे वो जो कानून मंत्री को जानते हैं। अब इससे बड़ा स्टेटमेंट जुडिशियरी के ऊपर तो हो ही नहीं सकता। जुडिशियरी की क्रेडिबिलिटी पर, आप जजेस की क्रेडिबिलिटी पर सीधे कह रहे हो कि कुछ लोग कानून मंत्री को जानते हैं, कुछ कानून को जानते हैं। और इतने ही नहीं, वो कह रहे हैं कि जजेस वर्डिक्ट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। यानी जस्टिस गोगोई? नो, मैं तो नाम ले, ये अरुण जेटली, मैंने नहीं कहा भाई, अगर मैं पता नहीं मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए, मैं नहीं जानता इस बारे में, नाम ले रहा हूं, लेकिन मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। तो अरुण जेटली को यह अधिकार है कि जुडिशियरी की क्रेडिबिलिटी को वो कूड़ेदान में फेंक दे। बीजेपी के हर नेता को यह अधिकार है कि वो जुडिशियरी को, जजेस को जो मन में आए सो कहे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है इट्स अ टिरनी ऑफ अनइलेक्टेड। आप हिंदुस्तान की जुडिशियरी को आप बोल रहे हैं कि वो टिरनी है, तानाशाही कर रहे हैं। आप कहते हो कि कुछ कानून के जानकार हैं और कुछ कानून मंत्री के जानकार हैं। आपको यह अधिकार है कि आप कह दें कि रिटायरमेंट के पहले जो जजेस फैसला करते हैं वो रिटायरमेंट के बाद जॉब्स के लिए करते हैं, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता। तो जब बीजेपी के लोग कहते हैं तो लोकतंत्र खतरे में नहीं रहता, जब अरुण जेटली कहते थे तब लोकतंत्र खतरे में नहीं रहता। और यही अरुण जेटली थे, यही सुषमा स्वराज थी, जो संसद के अंदर जब बवाल हो रहा था तो कहते ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। तो ये बाइनरी तो तब तक चलेगी जब तक अरुण जेटली और उनकी पार्टी के लोग सत्ता में हैं। जिस दिन सत्ता से बाहर हो जाएंगे उस दिन वही जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट, जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबको जी भर के पानी पी पी के गालियां बकेंगे और कहेंगे कि आप तो तानाशाही चलाते। इसलिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है अरुण जेटली के मामले, अरविंद केजरीवाल के मामले में, भैया तोता मत बनो, जेल साबित करो कि आप केस्ड पैरेट नहीं हो। तो जो बाइनरी लेकर बीजेपी पिछले 10 साल से चल रही थी कि कांग्रेस के जमाने में सीबीआई केस्ड पैरेट है, 10 साल के बाद सीबीआई को अकल नहीं आई अभी तक। अब वो खुद सुप्रीम कोर्ट कहना पड़ रहा भाई मत बनो। और यह भी उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा का पूरा खेल चल रहा है ना, ये आपने सिर्फ इसलिए क्या, क्योंकि ईडी से उनको जमानत मिल गई थी तो सीबीआई ने उनको, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अब इससे ज्यादा अगर भारत की जुडिशियरी पे, भारत की लोकतंत्र पर अगर खतरा नहीं होगा तो क्या होगा फिर? जुडिशियरी पे क्यों, उन्होंने तो सही किया ना, कल तो जुडिशियरी पे सवाल था, आज तो जुडिशियरी ने बचा लिया लोकतंत्र को। ये जो तस्वीर है चंद्रचूड़ साहब की तस्वीर है नरेंद्र मोदी जी के सामने में, आज से 50 साल बाद भी याद रखी जाएगी। देखिए संविधान और लोकतंत्र, मुझे बोलने दीजिए, अब आप बहुत बोल चुके, लेकिन मैं आपको थोड़ा याद करा दूं, 2009 की तस्वीर याद कर लीजिए, 2009 की तस्वीर याद कर लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तब के केजी बालाकृष्णन। नहीं, मैं अन्याय बिल्कुल नहीं कर रही, मैंने अभी मैंने सेंटेंस ही पूरा नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि ये तस्वीर आज से 50 साल बाद भी याद रखी। मैंने कुछ गलत बोला? ए वर्ड नेगेटिव अबाउट देम, लेकिन वर्ड नेगेटिव अबाउट देम, क्यों? यू टेल मी, हैव आई क्रिटिसाइज देम? नो, दिस कुड बी रिमेंबर्ड फॉर गुडनेस ऑल्सो। ऑल राइट आशुतोष, आप इतने भोले, इतने अच्छे हैं कि मैं आपकी, आपका जो भोलापन है थोड़ा और दिखा दूं। 2009 में आप भोला हो गया, हाँ, बहुत वेरी क्यूट, बट मैं बता दूं, 2009 में तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जी बालाकृष्णन इफ्तार पार्टी पे तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर जाते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और वो 50 साल छोड़िए, आपको 10-20 साल भी याद नहीं रह रहा, वो तो एमनीजिया हो गया, आपको बोलने नहीं दिया। भाई साहब 3 मिनट से आप बोल रहे हैं, हम झेल रहे हैं, लेकिन ये बात करना आपको याद नहीं रहा। लेकिन राधिका खेड़ा, अब आप जवाब, राधिका, अरुण जेटली का स्टेटमेंट याद होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अरुण जेटली का स्टेटमेंट हम सबको याद है।
कांग्रेस पार्टी में हूँ, बीजेपी में हूँ, जहां भी हूँ बातें सारी याद रहती है। जैसे ये फोटो हमेशा इस बात की गवाह रहेगी कि किस तरीके से इंडी अलायंस की एक एक पार्टी हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, हिंदू धर्म के खिलाफ थी, कैसे उन्होंने आवाज उठाई। और आप कैसे भूल सकते हैं कि गणपति सिर्फ हिंदू धर्म से रिलेटेड नहीं है, हर धर्म के लिए बराबर है, क्योंकि गणपति ने बहुत बड़ा किरदार निभाया था इस देश की इंडिपेंडेंस के लिए। आप सबको याद होगा, सब ये कहानी जानते हैं, आप कैसे भूल सकते हैं। गणपति इसीलिए शुरू इतना मनाया जाता था। मैं आपके बीच में, वो आपकी मर्जी है, आप नास्तिक है और आप देश की स्वतंत्रता के खिलाफ है, वो आपकी इच्छा है। मैं यहाँ पे देश की स्वतंत्रता की बात कर रही हूँ, स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रही हूँ, जिसमें गणपति ने बहुत अहम रोल निभाया था, क्योंकि वहीं पे मीटिंग्स करी जाती थी जब ये गणपति इवेंट किया जाता था, ताकि अंग्रेजों को पता ना चले कि कहाँ पे हमारे लोग मिल रहे हैं। तो अब आप देश के भी विरोधी है, वो आपकी इच्छा है, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट है, आप किसी देश विरोधी कर रहे हैं। आशुतोष जी, जब आप बोल रहे थे, राधिका खेड़ा ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, लोकतंत्र की हत्या यहाँ हो रही है, आप आपके पेट में मरोड़े पड़ना समझ आता है, क्यों मरोड़े पड़ती है आप लोगों के पेट में, इसको लेके सबको पता है। आप सुनने की हिम्मत रखिए, और आप मुझे बता रहे हैं कि मैं देशद्रोही हूं। आप वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, उम्र में भी बड़े हैं, अभी भी पत्रकार, माफ करिएगा, मैंने पार्टियां नहीं बदली हैं, अच्छी बात, मैंने पार्टी नहीं बदली, मैं दल बदलू नहीं हूं, माफ करिएगा, कुछ नहीं, मैंने राजनीति छोड़ी है। अगर 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 एक महिला के साथ अन्याय होता है और वो आपने पार्टी बदली नहीं, आपके घर में क्लियर कर दो, अलाउ किया जाता होगा कि उनके साथ दरिंदगी हो, फिर भी वो उस पार्टी में बैठ के भीख मांगे, सॉरी मेरा परिवार ये अलाउ नहीं करता। आपके पास ऑप्शन था, आपके पास ऑप्शन था, आप पार्टी छोड़ सकती थी, डिबेट को डिरेल मत काउंटर का समय दूंगी, पहले वो बात खत्म कर ले, फिर आप आपके बीच में नहीं बोली थी, आई विल गिव यू टाइम, आप रुक जाइए, पहले वो खत्म कर ले, फिर आप काउंटर है, क्योंकि ये जानते हैं मैं उस बात से भली भांति वाकिफ हूँ, जब ये आम आदमी पार्टी में थे, ये किस तरीके से कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में रणदीप सुरजेवाला से पीछे के दरवाजे से छुप के मिलने आते थे, और उसकी मैं गवाह हूँ, तो इसलिए रैटल समझ आता है। लेकिन मुद्दे पे आएंगे, आम आदमी पार्टी में होते थे तब दुश्मन, दुश्मन अरविंद केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस पार्टी दुश्मन, और अब तो पीछे के दरवाजे से क्यों आते थे छुप के, सामने से आते ना, डरपोक और कायर पीछे के दरवाजे से आते हैं, मैं सामने लेकिन मुद्दे पर वापस आते हैं, संविधान के मुद्दे पर सब आते हैं, चोरी से पीछे ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, आप चोर के दरवाजे से आए थे, चोरी से आप मिले नेताओं से, आम आदमी पार्टी 25 था शायद, और वो सुष्मिता देव जी का घर था जिसमें आप आए थे, ठीक है, चुप हो जाए, आई वॉज देयर, चुप हो जाए, क्यों चुप हो जाए, सच बोलने के लिए चुप हो जाए, आपने मेरे पर आरोप लगाए, मुझे बोलना पड़ेगा ना, मैं तो गलत बात है, मैं गवाह हूँ, मैं गवाह हूँ, ये गलत बात है, हाँ हाँ मैं बोलता हूँ, मैं जवाब दे रहा 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 हूँ, हाँ जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, इट इज देयर, अब हम बात करते हैं, एक एक राधिका जी, ओके, दिस इज नॉट फेयर, टॉक टू द हैंड, दिस इज नॉट फेयर, दिस विल नॉट चेंज द फैक्ट दैट यू आर रैटल्ड, हैव यू जॉइंड बीजेपी, नो, व्हाई आर यू, हैव यू जॉइंड बीजेपी, व्हाई, हैव यू जॉइंड बीजेपी, व्हाई, आई एम नॉट जॉइनिंग इंडिया लाइफ, जो एक महिला की बोलने पे इतना डरती है कि उसको बोलने नहीं देती, अब मैं बात कर रहा हूं, आशुतोष जी बीजेपी बीजेपी का मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है, उसकी खबर बीजेपी के मुख्यालय से मिलेगी, यहाँ से नहीं मिलेगी, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा, पत्रकार हैं, आपको मिल जाएगी खबर कौन ज्वाइन कर रहा है, लेकिन राधिका जी को अपनी बात खत्म करने दो, काम डाउन काम मैंने सुना नहीं, लेकिन अगर क्या आपने उन्हें कहा आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, आपने कहा एक महिला को माफी
मांगिए पहले. वन मिनट में आप एंकर रह चुके हैं. मैं सिर्फ आपसे नहीं, नोबडी शुड से एनीथिंग दैट इज नॉट पार्लियामेंट्री. लेट्स नॉट गेट इनटू दिस. पर्सनल फाइट्स की जगह नहीं है. मुद्दा है देश के इश्यूज का. आशुतोष ओके, वन मिनट. शुड आई कॉल यू स्क्रू द बीजेपी? यू कैन. यू आर कॉलिंग मी. दैट्स नॉट यू डिड. व्हाट यू डिड कॉल से दैट. बट यू डिड. आई विल नॉट से दैट. बट यू डिड. बट यू डिड. बट यू डिड. वन मिनट. वन डिड यू नॉट से. एक मिनट. एक मिनट. आप तहसीन जी, आप तहसीन जी, वन मिनट. ओके, ऑल राइट. नॉट इन हाफ. नो. एक मिनट. मैं एक मिनट. मैं सिर्फ आप दोनों. अच्छा सुनिए आशुतोष जी, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ. मैं यू शुड नोबडी से. वन मिनट. मे आई गेट ऑर्डर. मे आई गेट ऑर्डर. वी आर नॉट नर्सरी चिल्ड्रन. वन मिनट.